हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NTPC और ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। अगर आप एक भी वीडियो को या एक भी क्वेश्चन को मिस कर रहे हो तो आप समझ लें कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए और फिर बाद में सोचो कि यार पूरी वीडियो को देख लेता तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन नहीं छूटता जो एग्जाम में आ गया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी पार्ट अपलोड कर रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये जीके का खजाना चल रहा है। देखिए, दोपहर के 1 बजे डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं जीके के कुछ क्वेश्चन यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। इसी तरीके से 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है इस टाइम को नोट कर लीजिए, और NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को मिस मत करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को शेयर करके। शेयर का बटन पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और 226 आप याद रख सकते हैं जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है वो आर्टिकल किस में आता है? 32 में। और जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है वो आता है 226 में, यानी कि 226 में। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये दोनों आर्टिकल। किंतु मौलिक अधिकारों का संरक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। इसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 32 खुद में ही मौलिक अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है, जो ये 32 है दोस्तों ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए जो संरक्षण है मूल यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ए और बी दोनों लगा देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? देखिए, फंडामेंटल राइट्स सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 33 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार सांसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है या प्रतिबंधित यानी कि उन पर रोक लगा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 51A। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। संविधान के भाग 4A के अनुसार अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इन मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं है, ये बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। तो दोस्तों ये याद रखना है, और ये आते किस में? भाग 4A के अनुच्छेद 51, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 42वें संविधान संशोधन, और कब? 1976 में, ये ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 11, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइस मैं बता दूं कि
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में या फिर नीचे प्लस का साइन मिल जाएगा, आप थोड़ा सा देखेंगे इस ऐप को तो समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, कितने मंथ का कोर्स आपको लेना है वो आपको सेलेक्ट करना है, 3, 6, 12 मंथ का, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एंटर रेफरल कोड। इस एंटर रेफरल कोड में आपको Saurabh11 लिख करके अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितनी भी फीस आपकी होगी उसमें 10% का कम होके आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है और आपको डेबिट कार्ड या पेटीएम से पेमेंट कर देना है। गाइज ये बिल्कुल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, डेली ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोसेस समझ में नहीं आता। अगर किसी को प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से या तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, सौरभ मलिक सर्च करके, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराने हैं, बेस्ट इंडिया के जो फैकल्टीज़ हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको तैयारी कराने हैं। देखिए सॉरी दोस्तों, मैं आपको कल भी बताया था कि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसी वजह से आवाज़ भी आपको थोड़ी अलग लग रही होगी, बट ये मौसम चेंज हो रहा है। आप खुद का भी ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा सा मौसम जो चेंज हो रहा है इसका ख्याल ज़रूर रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि मेरे को हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, किस कंडीशन में निलंबित किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो कौन प्रतिबंध लगा सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सांसद प्रतिबंध लगा सकती है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों पर संयुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार सांसद को देता है। सांसद अनुच्छेद 368 में, किसमें, आर्टिकल 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए इसका मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 368 है ये क्या प्रोवाइड कराता है कि किसी भी मूल अधिकार में चेंजेस तो किए जा सकते हैं, मतलब ऐड किए जा सकते हैं, बट जो मूल उसका फंडामेंटल राइट है किसी भी अधिकार का किसी भी संविधान में, उसको नहीं हिलाया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी नई चीज़ ऐड की जा सकती है किसी भी, जैसे आपका पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 होते थे, अभी 6 है, एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अभी आपका 300A में चला गया, तो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हटा नहीं सकते, ये चीज़ बोलने चाहते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपको बोल रहा था, बिल्कुल ऑप्शन बी का सही आंसर रहेगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट होते थे, बट अभी कितने हैं, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो एक फंडामेंटल राइट था जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था दोस्तों वो अब हमारा भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है। तो ये भी कई बार आता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस आर्टिकल में आता है, तो 300A में आता है, समझ गए सभी। और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में, ठीक है गाइस, समझ गए, सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो सभी बता सकते हैं, संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, आपको बताना है इनमें से जो आपके सामने दिख रहे हैं इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो सही आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो एक मूल अधिकार नहीं रहा, पहले था बट अब नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, 44वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। अब हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अब संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, यानी कि अभी क्या है। बिल्कुल, विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है, यानी कि एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा गाइस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था, उस टाइम पे किसकी सरकार थी। तो सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान ही हटाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। आपको बताना है एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, ये इस तरीके से होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, देखिए हड़ताल करने का अधिकार एक मूल अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जो जितने भी लिखे हैं ये सभी मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, ठीक है दोस्तों। जो हड़ताल या स्ट्राइक या बंद करने का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी व्यक्ति के बंद, हड़ताल या स्ट्राइक के बहाने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। देखिए, कई बार ये होता है कि बहुत सारे मतलब बंद लगा देते हैं, भारत बंद या फिर किसी शहर को बंद कर देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ जो बसें फूंक देते हैं, ये कोई भी ऐसा कोई भी लीगल राइट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको हड़ताल करने का अधिकार भी एक लीगल राइट नहीं है, सॉरी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। तो विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार तो विदेशी नागरिकों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है, बट कुछ अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ विदेशी को भी प्राप्त है लेकिन कुछ केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, देखिए सॉरी गाइस, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और आर्टिकल 30, ये जितने भी मैंने आर्टिकल बोले हैं ये केवल भारतीयों के लिए ही हैं, इसमें कोई भी विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है। तो सही आंसर दोस्तों ये तो हो ही जाएगा, तो मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया, विदेश कुछ तो है बट कुछ नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) में प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो यार ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार होगा। चलिए आप ये बताइए, संपत्ति के अधिकार को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत और किस सन में हटाया गया था। ये अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, बट सभी को कमेंट करना है। अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ एकदम आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा करके और किस ईयर में हटा करके ये एक लीगल राइट बनाया है, तो जल्दी से बताइए। मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है। तो मूल कर्तव्यों के तहत इनमें से क्या नहीं है, तो सही आंसर रहेगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये एक मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए ये इसका सही आंसर रहेगा सैन्य और अकेदमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन, ये एक आपका मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर निर्णय देता है, यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी करता है रिट को, और जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर निर्णय देता है, तो इसका सही आंसर रहेगा प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट होती है दोस्तों इसका मतलब, तो प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों स्नान घाटों होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है? सही आंसर रहेगा समता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए किया जा सकता है? तो सही आंसर रहेगा सरकारी कर्तव्य करने के लिए, ठीक है गाइस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्यारे दोस्तों शेयर कर दिया करें, आप शेयर नहीं करते हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेट तो किया करो ना यार, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा परमादेश रेट, ठीक है, तो ऑप्शन अभी मैं ऊपर बता के आऊँ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से वह कौन सी रेट है जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? गाइस इसका सही आंसर रहेगा एक सामान्य विषय के खिलाफ, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों में शामिल है, तो मूल कर्तव्यों में शामिल है, देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, तो मूल कर्तव्य में शामिल है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यार आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान दर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, अधिकार कर्तव्यों को कहते हैं, निर्देशित सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन भी आता है, सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि सोवियत संघ, जो कि अभी रूस के नाम से जाना जाता है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके कहने पर? बिल्कुल मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के कहने पर। मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 358 लागू होने पर केवल अनुच्छेद 19 द्वारा 6 अधिकार आपातकाल लागू होती है। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियम हुआ?
तो सही आंसर रहेगा 15 जून 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। भारत में सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियम हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य आम नागरिकों द्वारा सरकार के कामकाजों और योजनाओं को जानने का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों की जांच करें। इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल इसमें देखिए दोनों ही कथन जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, खालिस्तान रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किसे किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। दोस्तों यहाँ पे इसको न्यायालय कर लीजिए, न्यायालय में पेश किया जाए, तो ये कौन सी रिट में आता है? बिल्कुल सही, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, प्रतिषेध रिट जो है ये की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया? सही आंसर क्या रहेगा? समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसके तहत राज्य द्वारा सभी को समान कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? जो अनटचेबिलिटी है वो आपको बताना है। बिल्कुल समता का अधिकार। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 17 के तहत संविधान में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये हो गया। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? सही आंसर रहेगा, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये बहुत फेमस केस है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिया गया। इसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो केशवानंद भारती वाला केस बहुत फेमस है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या कही गई है, दोबारा से बोल देता हूँ। केशवनाथ भारती मामले में दिए गया, इसके तहत सांसद अनुच्छेद 360 के अनुसार संविधान संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकती है, यानी कि 368 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग संविधान में चेंजेस कर सकती है, बट जो मूल ढांचा है, ठीक है ना, जो मूल चीज़ें हैं, जो ओरिजिनली चीज़ें बनाई गई है संविधान में, उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनमें चेंज नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 के लागू किया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ? इसका सही आंसर रहेगा 2002 में। ठीक है, तो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा जिसको हम बोलते हैं वो 2002 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन यह कानून अब समाप्त किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिकार पक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है?
बिल्कुल, इसका अर्थ है किस अधिकार से या वारंट से। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। तो सही आंसर रहेगा मूल अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज के इस टेस्ट में, मतलब वीडियो में 43 क्वेश्चन थे। आपने इनमें से कितने सही किए हैं आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए। जिसने वीडियो एंड तक देखी है वो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप सौरभ मलिक 17 के सर्च करके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो करके जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर टॉपिक स्टडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।